नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर काफी सजग हो गए हैं और आज 16 नवंबर है, लगातार जो है मैराथन बैठक चल रही है, समीक्षा चल रही है शराबबंदी की, शराब पकड़ने, रोकने, तस्करी, सेवन सभी से संबंधित अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन देखिए, अभी एक खबर आ रही है वैशाली जिले के महनार से, जहां पर प्रखंड आपूर्ति अधिकारी अरुण कुमार जो है वो शराब की नशे में पाए गए हैं। आपको बता दें कि शराब पीकर हंगामा करने के बाद जो है सहदेई थाना ने उन्हें गिरफ्तार किया और जब जांच हुई तो वो शराब की नशे में पाए गए। आप समझ सकते हैं कि जिन अधिकारियों पर ये दारोमदार है बिहार में शराबबंदी को बनाए रखने का, मजबूती से पालन करने का, लोगों को सीख देने का कि शराब बुरी चीज है, इसके लत में आप न पड़े, शपथ दिलाया गया इन लोगों को कि आप न शराब का सेवन करेंगे, न किसी को करने देंगे, न और तस्करी जो भी शराब से संबंधित मामला होगा उसमें आप रोकने का प्रयास करेंगे, जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप ही सोचिए कि आज जो है मुख्यमंत्री प्रस्तावित था 16 नवंबर को कि मुख्यमंत्री एक महासमीक्षा बैठक करेंगे जिसमें जिलों के सभी जिलों के, बिहार के सभी जिलों के अधिकारी जो है वो जुड़ेंगे, पुलिस के अधिकारी जुड़ेंगे, प्रशासनिक अधिकारी जुड़ेंगे और विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री भी जुड़ेंगे और मंथन होगा कि आखिर बिहार में इतनी सख्ती के बावजूद भी कैसे शराब पहुंच जाता है और कैसे लोग जो है वो जहरीली शराब पी के अपने जानों को गंवा रहे हैं। लेकिन इन सब पर ठेंगा दिखा रहे हैं बिहार सरकार के ऑफिसर्स ही, जो खुद ही शराब का सेवन कर रहे हैं। और इनको समझना चाहिए कि अभी बिहार में कितना शराब को लेकर जो है सेंसेटिव माहौल चला है। प्रशासन जो है, सरकार है, वो लगातार कड़ाई करते जा रही है, विपक्ष घेर रहा है, जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो घेर रहे हैं, बिहार की जनता घेर रही है सरकार को कि आखिर कैसे इतनी शक्ति के बावजूद भी शराब बन रहे हैं, तस्करी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, लोग सेवन क्यों कर रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी मैराथन बैठक में बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। इसके बावजूद ही पटना से महज 50 किलोमीटर बगल में ही महनार होगा, वहाँ पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शराब पीकर हंगामा करते हैं। उनका देखिए हिम्मत कितना है, शराबबंदी को वो कितना वैल्यू करते हैं, इसी से समझ में आ रहा है कि आज जो है सूबे के मुखिया, सूबे के जितने भी वरीय अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि आखिर शराबबंदी को कैसे मजबूती के साथ बिहार में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो मौतें हो रही हैं जहरीली शराब पीने से वो ना हो सके। लेकिन ये जो कार्य जो हुआ है वैशाली में, आपको बताया कि सहदेई थाना जो है उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है अरुण कुमार को, जेल भेजने का प्रोसेस चल रहा है और उन पर कार्रवाई भी होगी। एक बात जान ले, बिहार में शराबबंदी जो है उसको लेकर पूरे देश में सबसे मजबूत प्रावधान किए गए हैं और ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका अगर वो किसी भी तरह से इस शराब के मामले में पकड़े जाते हैं या उनकी संलिप्तता मिलती है तो सबसे पहले आपको जेल तो जाना ही होगा, आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। खतरे में क्या पड़ जाएगी, पड़ ही जाती है, सैकड़ों पुलिस वाले जो हैं वो नौकरी से निकाल दिए गए या फिर उनको एक जीवन यापन भत्ता के लायक ही छोड़ा गया है। तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है और मानना पड़ेगा दुस्साहस बिहार के अफसरों का। ऐसे हम सारे अफसरों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भी ऐसे अफसर हैं जो प्रश्रय देते हैं या सेवन करते हैं, खुलेआम सेवन करते हैं, शराब पीकर हंगामा करते हैं, दुस्साहस उनका कितना है कि आज पटना में सारा मीडिया का फोकस उसी पर है, सारे विपक्ष का फोकस उसी पर है, सारे जिला लेवल के मशीनरी का भी फोकस आज जो है मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक पर बना हुआ है। और इस बीच में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो हैं वो लाल पानी का सेवन करते हैं और शराब के नशे में हंगामा करते हैं, बात फैलती है और पुलिस जो है पहुंचती है, उनका जांच करवाती है तो सब शराब के नशे में पाए जाते हैं। तो काफ़ी अफसोसजनक है
दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार सरकार जो है वो समाज के हित के लिए इतने सकारात्मक कदम उठाई और आज भी नीतीश कुमार जो है लाख इसमें कमी होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि शराब बंदी को लेकर हमारा कमिटमेंट है और हम इसे किसी भी हालत में पैर जो है नहीं खींच सकते हैं, बल्कि इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और सही तरीके से लागू करके दिखाएंगे। उनके अधिकारी ही उनके इन मंसूबों पर पानी फेरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और इसके वजह से सरकार को फिर घेरा जाएगा, फिर आरोप लगेंगे, खुद तो उनकी नौकरी जाएगी ही, जेल जाएंगे ही, लेकिन पूरी किरकिरी भी करा के जाएंगे, डिपार्टमेंट का, सरकार का, राज्य का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।